देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत यह है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते, लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो सरकार बनी है वो गलती से बन गई है। देखिए, राहुल गांधी की तीसरी बार एनडीए की सरकार को हराने की कोशिश की, जिन्हें तीसरी बार में कांग्रेस को 99 भी नहीं पार कर पाया, वो कांग्रेस दूसरों को क्या कहेगा। राहुल गांधी थेथ्रोलॉजी के सिवा उनके पास कोई शब्द नहीं है। तीसरी बार में 99 भी नहीं कांग्रेस पार कर गई और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जितनी सीटें उन्हें आई है सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को मिला करके केवल भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक है एनडीए सरकार में। आखिरी सवाल है दादा, नीट का पेपर लिखा हुआ है, ऑपोजिशन ने कह रहा है कि पीएम क्यों चुप है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने देश को सारी बात बता दी। 100 दिनों का मंत्री जी से पूछ लीजिए। देखिए, पूरी चिंता है। आज अगर चिंता नहीं होती आज तीन तीन ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सब आए हैं बिहार सरकार से वार्ता करने के लिए। बिहार में अपार संभावनाएं, मैंने पहले ही कहा, चाहे बुनकर की समस्या हो चाहे अन्य समस्या हो, उनको और उसको हल कैसे किया जाए उस पर चर्चा। झुंझुना पकड़ाया गया है। देखिए, बिहार की जनता ने जिनको व्हील चेयर पर बिठा करके झुंझुना दिखा दिया, आज बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया है और उद्योग सबसे बड़ा मंत्रालय है, वस्त्र मंत्रालय देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, इसलिए अपार संभावनाएं हैं। उन्हीं संभावना रेडीमेड गारमेंट्स है, उन संभावनाओं के साथ मिलकर माननीय मंत्री जी, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हमारी टीम पूरी आई है दिल्ली से और संभावनाओं को तलाश करके निश्चित रूप से बिहार में नए रोजगार के अवसर पर चर्चा हो।